बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ एक नई रेसिपी और बहुत सी दुआओं के साथ। आप लोग जहाँ पे भी हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेफ हों, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल स्नैक बेसन कोटेड मसाला पीनट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बेसन कोटेड मसाला पीनट्स के स्नैक बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर रहे हैं बाउल में। 2 टेबल स्पून ही इसमें राइस फ्लोर, चावल का आटा शामिल हो जाएगा। कुछ हल्दी ऐड कर देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हसबे जायका नमक भी इसमें ऐड हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो। अब यहाँ पे मैं 1/2 प्याली पीनट्स ऐड कर रही हूँ। एक बार फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें। एक बार फिर इसे मिक्स करेंगे। बहुत मज़े के स्नैक बनते हैं, घर के अलावा आउटडोर भी इंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक है, विंटर स्पेशल स्नैक है। सर्दी में तो आप इसे इंजॉय कर ही सकते हैं, इसके अलावा बारिश के दिनों में इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होता है, इसलिए आप इसे उनके लंच बॉक्स पे दे सकते हैं। ट्रैवलिंग में इसे इंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक पे इंजॉय कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे इंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक के तौर पे आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों के सामने भी रखा जा सकता है इसे। बहुत मज़ेदार और टेस्टी स्नैक की इसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। रेसिपी अगर पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अच्छे से मिक्स के हो गया। इस पॉइंट पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो चमचे से भी मिक्स कर सकती हूँ, लेकिन मैं हाथ से मिक्स करना पसंद करती हूँ। इसे हमें बेटर की शक्ल नहीं देनी, बस इतना करना है कि पीनट्स अच्छे से बेसन के साथ कोटेड हो जाए। पीनट्स हमारी अच्छे से बेसन में कोटेड हो गई है। अब फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल को पहले अच्छे से गरम करेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। एक मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और फिर चूल्हे का फ्लेम लो कर देंगे। पीनट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हाई फ्लेम पे से बस 1 ही मिनट फ्राई करना था। फ्रेंड्स, इसी स्टेज पॉइंट पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। 1-2 मिनट में ही बिल्कुल रेडी हो जाती है। बहुत मज़ेदार स्नैक है, एक बार आप बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। इसको मुस्तकिल हिलाते रहेंगे ताकि तमाम पीनट्स पे इक्वल कलर आ जाए और तमाम पीनट्स हमारी इक्वल फ्राई हो जाएं। ये बेसन कोटेड मसाला पीनट्स स्नैक रेडी है। हम इन्हें निकाल रहे हैं और
इसका ऑयल अच्छे से निकाल देंगे। पीनट्स हमारे रेडी हो गए। अब हम इसके लिए चाट मसाला तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा काला नमक लेंगे, काली मिर्ची, व्हाइट सॉल्ट, इस पर टेस्ट। ध्यान रखिएगा इसमें हमने ब्लैक सॉल्ट भी ऐड किया है। रेड चिल्ली, इस पर टेस्ट। एक टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। पीनट्स के जायके को और एनहांस करने के लिए हमने अभी अभी जो चाट मसाला रेडी किया है वो इस पे स्प्रिंकल कर दी। कितने क्रिस्पी है, आपको आवाज आ रही होगी। ये हमारे बेसन कोटेड मसाला पीनट्स की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे ये खाने में। क्रिस्पी है, क्रंची है, स्पाइसी है और बहुत यमी और फ्लेवरफुल है। आप इसे एयरटाइट जार या बॉक्स में स्टोर भी कर सकते हैं। ये हफ्ते 15 दिन तक आराम से चलता है। ना इनके फ्लेवर में फ़र्क आता है, ना इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज, नए नए व्लॉग और नई नई रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।